वेलकम टू सदा स्मार्ट रेसिपी। आज हम बनाने जाने वाले हैं वेरी क्विक रेसिपी पोहे की। इसे हम कहते हैं पोहे का चूड़ा। इसके लिए हमें चाहिए हरी मिर्च कटी हुई, ग्राउंड नट्स, अगर आप चाहे तो ग्राउंड नट यूज़ कर सकते हैं, अगर आप नहीं पसंद आप नहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कड़ी पत्ता, हरा धनिया, हरा धनिया और धनिया, ज़ीरा, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, काला नमक और आमचूर पाउडर और ऑफ़ कोर्स पोहे। हमने ये करीब 1 kg के करीब पोहे लिए हैं। और ये ध्यान रहे पोहे हमेशा पतला पोहा लेना चाहिए जो आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल है, पतला पोहा। इसे बनाने के लिए हम एक कढ़ाई ले गए और उसमें लगभग 2 बड़े टीस्पून हम ऑयल डालेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब हम उसमें लगभग 1 टीस्पून जीरा डालेंगे और ये ग्राउंड नट्स हमने इसमें इसलिए पहले डाली है ताकि ये अच्छी तरह से भून जाए, लाल हो जाए और क्रिस्प हो जाए। देखिए ये लगभग अच्छे ब्राउन, रेड ब्राउन हो चुके हैं और क्रिस्पी हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता, हरी मिर्च कटी हुई, और हरा धनिया बारीक कटा हुआ। देखिए ये लगभग अच्छा कड़क हो चुका है, क्रिस्पी हो चुका है आई वुड से। और अब हम इसमें मिर्च डालेंगे। मैंने लगभग 2 चम्मच मिर्च डाली है, 2 टीस्पून, आप आपके स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर 2 टीस्पून। हाँ अभी देखिए ये हो गया है अच्छी तरह से। अब हम इसमें ये पोहे डालेंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और काफ़ी देर तक भूनेंगे ताकि ये अच्छा क्रिस्पी बन जाए। अब हम इसे इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपको इसे भूनते रहना है, ध्यान रखिए कि ये कहीं नीचे ना लग जाए वरना जल जाएगा। और इसे अच्छी तरह से भूनते रहिए जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। अब हम इसमें काला नमक डालेंगे लगभग 1/2 टीस्पून, आप अपने स्वाद के हिसाब से भी डाल सकते हैं, और आमचूर पाउडर 1/2 टीस्पून, और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए ये रेडी हो चुका है, काफ़ी क्रिस्पी हो चुका है, आप इसे भी देख सकते हैं और ये एकदम क्रिस्पी हो गया है और काफ़ी टेस्टी भी दिख रहा है और काफ़ी टेस्टी बना भी है। अब हम इसे बंद कर देंगे और इसे ठंडी। देखते रहिए सदा स्मार्ट रेसिपी और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।